चलिए देखिए। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन और उसमें भी जो ये हमारा टॉपिक था मतलब ये जो अभी बताया डिफ्यूजन प्रेशर किधर ज्यादा किधर कम हो सकता है कैसे किसी सॉल्यूशन का हम लोग सॉलिड एंड सॉल्वेंट का प्रेजेंटेशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर ही अभी सारा चीज हम लोग का चल रहा है, समझिएगा आपको। और अगर हम लोग कहेंगे कि आखिर वो डिफ्यूजन हो क्यों रहा है तो जिधर जितना ज्यादा पार्टिकल होंगे यानी सॉल्यूट के वहां पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होना यानी ऑस्मोसिस का कम, सॉल्वेंट कम होना यानी ऑस्मोसिस का कम। तो ये सब बात थोड़ी सी आपको खुद लेकर के चलनी पड़ेगी, हर चीज आपको बुक में नहीं है, बुक में आपको हर चीज का डेफिनेशन मिल जाएगा लेकिन उस डेफिनेशन के क्या कंसेप्ट है वो आपको अपने से डेवलप करना। मैं एक बार बता दूंगा दो बार बता दूंगा लेकिन डेवलप आप ही को करना। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको बुक में ना मिले, बुक में नहीं मिलेगा तो आपके कंसेप्ट, और कंसेप्ट कहने का मतलब वो खुद से ही निकालना। अब आप देखो कि पहले जो हम लोगों ने बातें डिस्कस की परमियंस के बारे में, पंप के बारे में, एक्वाफ्लोइंग के बारे में, ऑफिसों के बारे में, उन सबका डेफिनेशन अलग अलग जगह पे दे रखा लेकिन वो सभी मेम्ब्रेन के प्रोटीन और अलग अलग जगह पे रहने की वजह से अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग नाम है और सभी इंटीग्रल प्रोटीन ही है। सबको कई तरीके का करके कॉन्सेप्ट दिया है क्या? नहीं, वो आपको खुद बनाना है। आप पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करेंगे, अपने आप ऐसा चीजें डेवलप होते चले जाएंगे। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं किसी चीज में डेवलप होगा, आप कहते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू से खेलना पड़ता है। एमसीक्यू आपको एक तरह का दिया, कुछ चेंज करते हैं तो क्या आंसर होगा, उसमें और चेंज कर देते हैं तो और क्या होगा, दैट इज द प्लेइंग विद द एमसीक्यू। तो वो आपको सीखना है, वही करना है, तभी आपको अभी बहुत सारी चीज होंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर बेटा एक डायग्राम बनाएंगे पहले, आपको स्विम मोड, यूनिट मोड एंड
समझिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर होगा और बीच बीच में इस तरह से क्या होंगे मेम्ब्रेन के प्रोटीन, यानी जिसे आप इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन के थ्रू चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही हम लोग ये पढ़ते हैं सिंपोर्ट, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मिलेगा आपको सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। जब कभी एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल पार्टिकल का लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कहते हैं यूनिपोर्ट। क्या कहेंगे यूनिपोर्ट, यूनिक का मतलब सिंगल, पोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यूनिपोर्ट कहीं पे लगता है तो सिंगल, ठीक है। तो सिंगल मॉलिक्यूल का या सिंगल पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे यहां पर आप समझ लो कि ये मॉलिक्यूल है और इसका ट्रांसपोर्ट इधर हुआ, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं यूनिपोर्ट। क्या कहेंगे यूनिपोर्ट। अब दूसरा जो है, यानी यहां पर दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग सिंपोर्ट। और जब दो मॉलिक्यूल हो और दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग एंटीपोल। और इसी एंटीपोल को हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब समझ में आई बात, तो यहीं पर लिख देंगे इसको एक पार्टिकल, एक पार्टिकल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन ए डायरेक्शन और सिंपोर टू पार्टिकल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, जबकि एंटीपोल टू पार्टिकल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, इसको दिखाइए।
मॉलिक्यूल सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है यूनिफोर, दो मॉलिक्यूल दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सिंगफोर, और दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एंटीफोर।
नहीं है आपको इधर ऑस्मोसिस
ये जो ऑस्मोसिस है वो क्यों हायर से लोअर की ओर हो रहा है, यानी पानी ही जो है या सॉल्वेंट भी हायर से लोअर की ओर क्यों जा रहा है भाई? हाँ, तो डिफ्यूजन भी क्यों होता है हायर से लोअर की ओर? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे होता है, कोई एनर्जी ठीक है। तो डिफ्यूजन या यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हाँ ये बात सही है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। तो आप ये क्वेश्चन अराइज हो सकती है, जैसे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाई अकर डिफ्यूजन, तो आंसर इसका कर लेंगे किस वजह से ऐसा होता है। तो तो जिधर का फ्री काइनेटिक, इसलिए डिफ्यूजन जो हम तीन चीज को लेकर करें कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रैकेट में और फ्री एनर्जी और डिफ्यूजन प्रेशर। तो फ्री काइनेटिक एनर्जी जिधर ज्यादा होगा तो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है हायर से लोअर की ओर। तो जिधर पार्टिकल ज्यादा है उसके पास फ्री काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो हायर से लोअर की ओर जाते हैं, यानी कि व्हाई अकर डिफ्यूजन ड्यू टू फ्री काइनेटिक एनर्जी। ये एक बात हो गई। यही होता है ना,
लेकिन अब इसका उल्टा करना है, आप जो पानी पीते हो उसमें क्या होती है, the expulsion of pure water through semi-permeable membrane from a solution, यानी एक सॉल्यूशन में से प्योर वाटर को निकाल के एक्सपल्सन कराना यानी निकालना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑसमोसिस। तो जब हमारे पानी में जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसमें मिनरल का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है जिसे हम टीडीएस के नाम से बोलते हैं, टीडीएस हाई है, तो उतना मिनरल किसी एरिया टू एरिया वैरी करता है। मान लो कहीं किसी एरिया के पानी में फॉस्फोरस ज्यादा है, कहीं के पानी में जो है वो सोडियम ज्यादा है, कहीं के पानी में पोटेशियम ज्यादा है, और उस क्वांटिटी में हमारे बॉडी में अगर वो इंटर क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, उस क्वांटिटी में अगर वो हमारे बॉडी में जाएगा तो नुकसान पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की एक्सपल्सन ऑफ, और इसीलिए जो आरओ वाटर जो आप यूज करते हैं, जब उस मशीन को कोई टेक्नीशियन आगे खोलेगा तो उसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं, वो बोलेगा आपसे मेम्ब्रेन खराब हो गया, तो वो मेम्ब्रेन बनाया हुआ मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो उसमें यही काम लिखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए द एक्सपल्सन ऑफ, चाहिए मुंह पे पानी मार गया, ये निकाल दिए ना, जाओ प्रेशर डेफिसिट, इसको कहते हैं कि
यहां पर बेटा कोई सॉल्यूशन और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिले हैं। अभी इसका डिफ्यूजन प्रेशर, इस सॉल्यूशन का कोई ना कोई डिफ्यूजन प्रेशर होगा, है ना? तो जो इसका डिफ्यूजन प्रेशर है, जैसे डिफ्यूजन प्रेशर अलग अलग तरीके से नापते हैं, जैसे ऑस्मोसिस है तो ऑस्मोसिस इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर और उसका यूनिट जो है वो एटीएम में लेते हैं। तो ये डिफ्यूजन के लिए जो यूनिट लिया जाता है ज्यादातर एटीएम, एटीएम है, बार है, बार है और पास्कल है, उसका यूज करते हैं। एटीएम जो है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लूइड बोलते हैं ना, तो उसका यूनिट एटीएम जो है वो एक ऐसा यूनिट फिजिक्स में आया होगा आपको। एटीएम इज द ऐसा यूनिट फॉर द प्रेशर, प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट में एटीएम को लेकर चलते हैं। तो ऑस्मोसिस कितना हो रहा है या कहीं पर क्या प्रेशर है, डिफ्यूजन का क्या प्रेशर है, उसको एटीएम में मापते हैं, ठीक है? और ऑस्मोसिस नापते हैं उसको ऑस्मोमीटर कहते हैं। कहीं पर लिखना तो लिख भी दीजिए, ऑस्मोसिस इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर, लिख लेंगे आप लोग कि ऑस्मोसिस इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर इन एटीएम और एटीएम या बाद में इसको नापते हैं। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन का जो प्रेशर है, डिफ्यूजन करने की जो टेंडेंसी है पार्टिकल में, अगर वो प्रेशर कम हो जाए तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डिफिशियंसी इन डिफ्यूजन प्रेशर, उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और इसी को शॉर्ट बोलते हैं डीपी। अब डिफ्यूजन का प्रेशर कम कब होगा, ये जो सॉल्यूशन है बेटा इसका एक अपना डिफ्यूजन प्रेशर है, यानी अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे, या इसी को दो पार्ट में बांट देता हूँ, चलो देखो यहाँ पर ये दो पार्ट में बांट दिया, अब ये पार्ट हो गया ए और ये पार्ट हो गया बी, और हम कुछ मेंशन कर देंगे इधर, बोल देंगे जैसे ही हम बोलेंगे 10% NaCl का सॉल्यूशन और इधर बोलेंगे 20% NaCl का सॉल्यूशन, तो आप तुरंत बोलोगे कि वाटर का मूवमेंट होगा सर ए से बी की ओर, बोलोगे ना ये, सॉरी वाटर का मूवमेंट बी से ए की ओर ये बोलोगे आप, क्योंकि वाटर उधर जाता है। तो यानी दोनों के बीच में, दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई ना कोई डिफ्यूजन प्रेशर का वेरिएशन है, डिफरेंस है, डिफरेंस है तभी तो मूव करेगा ना भाई। अब ये तो किसी के अगर यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है और इसके डिफ्यूजन के, अभी यहाँ पर 10% NaCl और यहाँ पर 20% NaCl, अगर इसके डिफ्यूजन के प्रेशर को, वाटर का मूवमेंट आपका इधर से इधर की ओर होता है, अब हम चाहते हैं कि वाटर का मूवमेंट इधर से इधर की ओर नहीं, तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर फिर से 10% NaCl को बढ़ा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 20% NaCl का सॉल्यूशन हो गया और इधर भी 20% NaCl का सॉल्यूशन हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर, यानी इक्वल हो गया ना भाई, दोनों परसेंट सॉल्यूशन अगर सेम हो गया
तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन सेम है। और हमारा डिफ्यूजन क्या कहता है, ऑस्मोसिस कब तक होगा? इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों चीजें यानी सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा क्या? नहीं होगा, दोनों सिमिलर हो, दोनों इक्वल हो गए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा ही आएगा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस रुक जाएगा। अब ये रुका क्यों, वाटर या सॉलिड का मूवमेंट? ये रुका इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया। इसका मतलब अगर आप ऐसे निकालो तो पहले जो 10% NaCl था तो dP किसकी ज्यादा थी? डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन का प्रेशर किसका ज्यादा था? अरे भाई ये B वाले का, इसका dP। डिफ्यूजन प्रेशर इधर वाले का क्या था? ज्यादा। और इधर वाले का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? कम, क्योंकि इधर 20% NaCl है और उधर सिर्फ 10% NaCl है, तो डिफ्यूजन करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा डिफ्यूजन प्रेशर उतना कम होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा डिफ्यूजन प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये भी मेंशन कर देता हूं, मोल सॉल्वेंट
तो जो dp d equal to op minus dp by psi और water potential का सिंबल होता है psi w, psi w equal to psi x plus psi p दिया है मैंने psi w। अब अभी इसमें आपको मान लिया कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी समझने का कार्यक्रम बहुत बात। op का मतलब होता है osmotic pressure, दिखाएंगे सबका टर्म दिखाना है, सबके बारे में समझाना है, बट अभी खाली देख लीजिए। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी का मतलब होता है टर्मिनल प्रेशर, साई एस का मतलब होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, एस फॉर सॉल्यूट, और साई का मतलब होता है पोटेंशियल। तो साई है, ये वर्ड जो है साई है, इसको ऐसे लिखते हैं पी एस आई साई, ये साई का सिंबल, और एस फॉर सॉल्यूट ये भी साई है, और पी फॉर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू, ये दोनों छोड़ते हैं तो क्या आता है वाटर का। तो साई वर्ड कहीं, साई का सिंबल कहीं है इस टॉपिक में, तो मतलब समझो पोटेंशियल से रिलेटेड। अब समझ में आई बात। अब मुझे बताइए जो डिफ्यूजन होता है, एक लीटर वाटर इस एक लीटर वाटर में हमने पहले 50 ग्राम शुगर को ऐड किया, क्या हुआ डिफ्यूजन होगा? वाटर और शुगर घुलेंगे ना भाई, तो डिफ्यूजन होगा। अब जब वाटर को, वाटर में शुगर को मिलाया, डिफ्यूजन हुआ। अब इसमें मैंने क्या किया, फिर से 500 ग्राम और ऐड कर दिया शुगर को, ठीक है। अब फिर और डिफ्यूजन हुआ, तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ घटेगा, हाँ सही आंसर है घटेगा, सही बोला। मुझे ये जानना है क्यों बढ़ेगा, क्यों सैचुरेट हो जाएगा, हाँ किसके किसके वाटर के, वेरी। यहाँ पर एक लीटर पानी है, तो पानी है तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल अभी फ्री हैं, ठीक है, और इसमें 50 ग्राम जब शुगर डाला तो शुगर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होंगे, यानी डिफ्यूज करेंगे, तो 50 ग्राम शुगर के लिए हो सकता है 50 ग्राम वाटर क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो रिमेनिंग जो अभी वाटर है वो क्या है, बचा हुआ है। आप देखना जब चीनी पानी के शरबत बनाते हो, एक गिलास में एक चम्मच चीनी डालो तेजी से घुलेगा, दो चम्मच और चीनी डालो फिर भी घुल जाएगा, और हर बार दो दो चम्मच बढ़ाते रहो, टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के जितने भी फ्री मॉलिक्यूल हैं वो सारे मॉलिक्यूल जो है अब वो इन्वॉल्व हो चुके हैं डिफ्यूजन में, कोई वाटर के फ्री मॉलिक्यूल बचा ही नहीं है इसमें कि वो अब चीनी के मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज हो सके, तो नो एनी फ्री मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट फॉर द डिफ्यूजन, देन डिफ्यूजन विल बी स्लो या डिफ्यूजन विल बी स्ट्रॉन्ग। जब भी कहीं पर तो आप यहाँ पर शुगर को ऐड करते चले जाओगे, अब फाइनली डिफ्यूजन विल बी स्टॉप या डिफ्यूजन विल बी डिक्रीज, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वाटर का फ्री मॉलिक्यूल अब वो प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी डिफ्यूजन एकदम कंटिन्यू, ये बहुत सारे चीजों को समझने की। चीनी की जगह पर नमक ही मिलाते क्यों ना चले जाओ, 5 kg के नमक में अगर 50 ml अगर पानी डाला है तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा सही से? नहीं। 5 kg चीनी में आपने 10 ml पानी को डाला है तो क्या शरबत बन पाएगी? नहीं। कहां से बनेगा? वाटर में उतने फ्री मॉलिक्यूल है ही नहीं कि शुगर के उतने मॉलिक्यूल को क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके।
मॉलिक्यूल आर नीडेड फॉर द डिफ्यूजन। तो यहां पर अब अगर आपने यहां तक में क्या हुआ डिफ्यूजन असर, ठीक है, ये डिफ्यूजन हुआ, लेकिन यहीं पर अगर आपने 1 kg सुगर को और ऐड कर दिया तो डिफ्यूजन क्या हो सकता है, स्लो डिफ्यूजन, स्लो। क्यों भाई? नो फ्री या फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी लेस, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी लेस, सो डिफ्यूजन स्लो और स्टॉप। आइए उसको, तो कभी भी जब आप सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्यूजन को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे। और वही है सॉल्यूट को ऐड करने से जो डिफ्यूजन करने की टेंडेंसी जो आप कम हो रही है, दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यही है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब समझ में आई बात? Water pressure of